सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले जूल स्वैप के बारे में। ओके, तो जूल स्वैप एक एक्सचेंज है, अगर किसी को नहीं पता, तो हम इस वीडियो में इसी एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले कि अभी इसकी प्राइस कितनी है एंड फ्यूचर में जाके कितनी प्राइस जाएगी इसकी प्राइस, एंड आपको इसको खरीदना चाहिए कि नहीं ये भी बताऊँगा। एंड मतलब अभी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले इसमें एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मैं मेरे नॉलेज के ऊपर दे रहा हूँ, एंड मैं आपको इस वीडियो में बस ये बताऊँगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ओके, जितना भी इसमें से आपका प्रॉफिट निकलेगा वो आपके ऊपर है, एंड जितना भी आपका नुकसान होगा वो भी आपके ही ऊपर है। ओके, मैं बस आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, आपको पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो आप नहीं लगा सकते। ओके, तो मेक श्योर करना कि आप ये बात क्लियर रखो कि मैं यहाँ पे बस आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। ओके, मतलब मैं आपको बस इस वीडियो में गाइड कर रहा हूँ। ओके, तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आपको नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा डिस्क्लेमर। ओके, तो अगर आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ा गिव अवे आने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, अब तक मैंने इतना बड़ा गिव अवे नहीं किया, तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करो। एंड वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ रही है, 4 डेज पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, मुझे पता है, क्योंकि लूनर जो कॉइन है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी एंड उसमें ही मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब समझ रहा हूँ, अकाउंट वगैरह थोड़ा बनाने पड़ रहा है एंड एयर ड्रॉप्स आते रहेंगे। मेक श्योर करने का आप सब्सक्राइब करो, एंड आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करने के आप वो भी ज्वाइन करो। ओके, लिंक आपको दोनों भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं इस कॉइन की तरफ। ओके, इस कॉइन की क्या हालत है आज के दिन। ओके, तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये है पूरी लिस्ट, फर्स्ट से लेके 10 तक टॉप एक्सचेंज है ये। ओके, एंड जूल स्वैप जो है एक कॉइन हमारा दूसरे नंबर पे, एंड अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो अभी इसके 1 लाख से भी ज़्यादा होल्डर्स है। ओके, अभी नंबर टू पे अभी एक्सचेंज। ओके, मतलब लेजिट भी है एंड आप इस पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ओके, अभी ये जो कॉइन है ये डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, मतलब अभी इसके डेबिट कार्ड भी आएंगे, एंड जब इसका डेबिट कार्ड आएगा तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। अभी इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो $0.02682 अगर हम इसको इंडियन में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1.90 रुपीज़ हो गया, सिर्फ रुपीज़ हो गया। बट अगर हम बात करें मार्केट गिरने से पहले की, मतलब थोड़ी दिन पहले मार्केट गिरा था, अभी जैसे कि आपको पता है बिटकॉइन गिरने के बाद से भी छोटी छोटी जो कॉइन्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट पड़ जाता है एंड ये पूरी तरीके से डाउन आते हैं। मतलब एक कॉइन अगर हम मार्केट गिरने से पहले की अगर हम बात करें तो कॉइन की कीमत तकरीबन 60 रुपीज़, मतलब $1 के पास जाके आए कॉइन। मतलब इस कॉइन में उतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि एक कॉइन $2 तक भी जा सकता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ओके, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कॉइन जो है अभी डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला है, एंड जैसे ये कॉइन डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा, मतलब अभी थोड़े ही दिनों में डेबिट कार्ड ये लॉन्च कर देंगे ये लोग, एंड जैसे ये लोग डेबिट कार्ड इनका लॉन्च करेंगे वैसे ही इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, मतलब वैसे ही लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे एंड इसको रेगुलर डेज में यूज़ करना शुरू कर देंगे। जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा और इसमें पैसा डालते रहेंगे, मतलब समझ लो आप, यहाँ पे आपका पैसा घूमता रहेगा, मतलब इस कॉइन की प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। ओके, तो अभी डेबिट कार्ड ये थोड़े दिनों में लॉन्च करने वाले हैं, एंड इसकी जो ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है विद इन सेकंड हो जाता है ट्रांजेक्शन। ओके, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें सब कुछ इन्होंने लिखा है, मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा रहा हूँ। ऐसा बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड की भी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, मतलब सेकंड्स में ये ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा। स्टेकिंग पूल्स की वजह से और ज़्यादा इसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, स्टेकिंग पूल्स मतलब ये अगर मैं थोड़ा एग्जांपल दूँ तो अपना FD के जैसा होता है। ओके, आप आइडिया लगा लेना। ओके, एंड इसके प्राइस के बारे में तो बता ही दिया है मैंने, अभी इस जैसे ही डेबिट कार्ड लॉन्च होगा मैंने आपको बताया है, तब इसकी प्राइस तकरीबन $2 तक छू सकती है। ओके, तो बहुत अच्छा चांस है, अभी इसकी प्राइस ₹2 से भी कम है एंड इसकी प्राइस $2 तक जाने के चांसेस है। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये जाएगी, नहीं भी जा सकती, बट एक कॉइन पहले 60 रुपये छू के वापस आया है मार्केट गिरने की वजह से, मतलब इसके ऊपर एक कॉइन जा सकता है। ओके,
तो जब इनका डेबिट कार्ड लॉन्च होगा तब जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है उनका इसके इस कॉइन के ऊपर ध्यान जाएगा एंड वो लोग भी उसके उनके जो एक्सचेंज है उसके ऊपर इसको लिस्ट कर देंगे। मतलब जैसे कि हम एग्जांपल ले तो बाइनांस हो गया एंड कुकॉइन हो गया एंड हुबयू हो गया। ये जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं इतने बड़े बड़े वेबसाइट पे ये कॉइन लिस्ट हो जाएगा। जब इतने बड़े बड़े वेबसाइट्स पे ये कॉइन लिस्ट हो जाएगा तब मतलब खरीदने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं बस आपको एक थोड़ा समझा रहा हूँ कि इसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस कैसे कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। कि अभी टोटल जो कॉइन है जूस ऐप के वो 800 मिलियन है एंड अभी कैप्चर्ड है मार्केट में 14। ओके, तो मेक श्योर कर रहे हैं कि आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दो क्योंकि अभी मार्केट अप चल रहा है बट थोड़े दिनों में मतलब अभी अभी तो डाउन नहीं आएगा। बट अगर आया तो इस कॉइन के ऊपर ध्यान रखो, बस जब भी ये कॉइन डाउन आएगा तब आप इसको ख़रीद सकते हो। ओके, तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, अगर आपके पास पैसा है तो आप लगा सकते हो, पूरी तरीके से आपकी रिस्क होगी। ओके, मैंने तो आपको बता ही दिया है कि एक कॉइन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है बट यहाँ पे रिस्क भी आती है। ओके, तो मेक श्योर करना है कि आप इस पर भी ध्यान दो थोड़ा। ओके, तो यही था गाइज जूल स्वैप के बारे में। इनका डेबिट कार्ड वगैरह लॉन्च होने वाला है तो मेक श्योर करना कि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। जैसे ही डेबिट कार्ड लॉन्च होगा वैसे इसकी प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो बाय गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एयर ड्रॉप के साथ एंड एक ट्रिक के साथ। ओके, तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करो एंड हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मिलता हूँ आपको टेलीग्राम के ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय, पीस।